नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज मैं आपके लिए थर्ड पार्ट लेके आया हूँ क्लॉक चैप्टर का, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाटर इमेज और इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले हमने दो पार्ट इसके ऑलरेडी कर रखे हैं, तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखे, जाके सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करूँगा उन दो वीडियो को ज़रूर देखें और आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आज का मेरा पार्ट है, ये है थर्ड पार्ट। इसमें हम कुछ कंसेप्ट सीखेंगे और फिर इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे उसी कंसेप्ट के ऊपर। तो सबसे पहले यही चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जैसे जैसे लोग आते जा रहे हैं, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का जो कंसेप्ट रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। आप सभी को पता है, वाटर इमेज होगी, मिरर इमेज होगी, यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पे आज हम मिरर इमेज के साथ साथ वाटर इमेज का क्वेश्चन भी करेंगे। तो एक बार फिर से सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक बटन को दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपना कमेंट कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए जी, तो सबसे पहले बात करेंगे बेसिक। जिन बच्चों को बेसिक आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया है, वो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक देख ले कि इसका बेसिक होता क्या है। आज जो हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले करेंगे मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या होती है? यहाँ पे आपको एक घड़ी दिख रही है, एक क्लॉक दिख रही है, जिसमें 9:30 बजे हुए और उसी की मिरर इमेज आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, ये जो होती है, यही हमारे पास क्या होती है? मिरर इमेज होती है। इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग में। अगर आपका यहाँ से थोड़ा सा कंसेप्ट बन जाता है, तो जो मिरर इमेज वाला एक क्वेश्चन आता है, वो भी आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो इसको आराम से सीखिएगा और फिर धीरे धीरे करिएगा, ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो ये जो आपकी रियल वाटर है और ये जो रियल इमेज है और ये जो इमेज है, ये कौन सी है? मिरर इमेज है। ठीक है, ये कौन सी इमेज दे रखी है आपके पास? मिरर इमेज दे रखी है। अब इसमें हुआ क्या है कि यहाँ पे 9:30 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपकी दूसरी इमेज है, यहाँ पे 9:30 नहीं बज रहे, यहाँ पे कुछ और टाइम दिख रहा है। इसका जो की पॉइंट होता है मिरर इमेज में, आपने सिर्फ याद रखना है, 12 और जो 6 होते हैं वो अपनी प्लेस को चेंज नहीं करते। यहाँ पे आप देख सकते हो, 12 और 6 ने अपना प्लेस चेंज नहीं किया है, लेकिन 1 और 11 ने चेंज कर लिया, 10 और 2 ने चेंज कर लिया, 9 और 3 ने चेंज कर लिया, ठीक है, 8 और 4 ने चेंज कर लिया, 7 और 5 ने चेंज कर लिया। मिरर इमेज में क्या होता है, 12 और 6 ये वाले दोनों डिजिट अपनी इमेज को चेंज नहीं करते हैं, बाकी जितने भी दे रखे हैं सारे के सारे अपनी अपनी पोजीशन को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। क्लियर है? अब वो ऐसा हो क्यों रहा है, कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन सॉरी, यहाँ पे एक क्लॉक दिख रही है, फिर से वही क्लॉक है। यहाँ पे ये वाली जो है, ये है इसकी रियल इमेज। ठीक है, ये जो है इसकी क्या है? रियल इमेज है। और यहाँ पे जो इसकी दे रखी है, वाटर इमेज दे रखी है। उम्मीद करता हूँ आपको लग रहा होगा पता कि रियल इमेज और वाटर इमेज में क्या डिफरेंस है। अब मैंने क्या बोला कि जो लेफ्ट और राइट होंगे वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ का लेफ्ट राइट बन जाएगा और वहाँ का राइट लेफ्ट बन जाएगा, लेकिन जो हमारा टॉप और बॉटम होगा वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। जैसा कि 12 12 की जगह ही रहेगा और 6 6 की जगह ही रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो, 12 12 पे ही है और 6 6 पे ही है, लेकिन लेफ्ट और राइट क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। जैसे ये वाला पार्ट यहाँ पे चला गया, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, और ये वाला पार्ट यहाँ पे चला गया। तो वाटर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट एंड जो लेफ्ट साइड होती है वो चेंज हो जाती है, कौन सी साइड में? राइट की तरफ चेंज हो जाती है, लेकिन जो हमारा टॉप और बॉटम होता है, जो हमारा टॉप और बॉटम होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो स्टिल वैसे के वैसे ही रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक चीज़ समझ आई होगी कि वाटर इमेज होती क्या है, कैसे इससे अप्रोच करना है और किस तरह से इसका क्वेश्चन आएगा, अभी वो भी देखेंगे। चलिए जी, अब बात करते हैं वही बात कि 11 जो 11 का टाइम होगा वो 1 से चेंज हो जाएगा, जो हमारा 10 का टाइम है वो किससे चेंज हो जाएगा? 2 के साथ चेंज हो जाएगा, 9 का टाइम 3 से, 8 का 4 से, लेकिन 6 का 6 ही रहेगा और 12 का 12 ही रहेंगे, ये दो टाइम चेंज नहीं होते आपकी वाटर इमेज में। चलिए, अब बात करते हैं सर इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है। जैसे आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ पहले, चलिए एक
चलिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिखा दिया मैंने, इसको एक बार खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे इसको करना है, क्या इसके पीछे बेसिक होता है। आपको क्या बोला है, व्हाट टाइम इज शोन बाय द मिरर इफ द रियल टाइम इज 9:27, कि आपकी जो रियल इमेज होगी ना, जो आपकी रियल क्लॉक होगी, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, 1 मिनट, 3, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, कितना बजे का टाइम बोला है, 9:27, मतलब यहाँ से यहाँ का टाइम, मतलब ये और ये वाला टाइम आपके पास दिया हुआ है। अब ये टाइम आपको पूछा हुआ है कि जैसे आप मिरर में देखोगे तो उसमें ये टाइम कैसे आपको दिखेगा, यहाँ पे तो 9:27 दिख रहा है, लेकिन मिरर इमेज में क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको किस तरह से दिखेगा। तो इस तरह का एक ना एक क्वेश्चन हर किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा होगा, अगर आपको बेसिक का पता होगा, तो आप इसको आराम से कर लोगे, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट ही अच्छा नहीं, आपको बेसिक ही नहीं पता, तो आप इसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए जी, अब इसका बेसिक सीखते हैं, हमें करना क्या है। तो जब भी मेरे पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो आपने सिर्फ याद रखना है, अगर जो आपका टाइम है वो 12 आर के फॉर्मेट में दे रखा है, किसके फॉर्मेट में दे रखा है, 12 आर के फॉर्मेट में दे रखा है, यानी कि 12 घंटे वाली की सुई में दे रखा है, जैसे अभी दिया था 9:00, ठीक है, 6:00, 7:00, उस तरह से दे रखा है, तो आपने क्या करना है, उसमें से 11:60, 11:60 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 11:60 होते किसके बराबर है, 12 बजे के बराबर होते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 11:60 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे हमारे पास टाइम अगर 24 आर में दे रखा है, तो आपको उसको 23:60 यानी कि 23:60 में तो सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अगर 24 आर का केस दे रखा है, तब आपको करना है किसमें, 23:60 में, और 12 घंटे वाला टाइम दे रखा है, तो आपको उसको करना है 11:60 में। ठीक है, वैसे तो आप दोनों को, अगर 24 का दिया रखा है, 12 का दे रखा है, उसको अगर आप 23 से भी करोगे तब भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना होगा, जो 24 वाला होगा उसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, 12 आर वाले में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आपके पास 12 आर वाला दे रखा है, तो आपने डायरेक्टली 11:60 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, और 24 वाला दे रखा होगा तो 23:60 से सब्ट्रैक्ट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, वही बात दे रखी है, अगर आपका क्या बोला हुआ है, अगर आप तक आपका करंट टाइम लाई करता है 1 से लेके 11 बजे तक, तो आपको 11:60 से सब्ट्रैक्ट करना है। अगर टाइम 11 से लेके 1 बजे के बीच आता है, तो 23 से करना है। ठीक है, चाहे आप दोनों से कर लो, चाहे आप 23 से कर लो, कोई भी टाइम दे रखा हो, 23 से 60 को 23:60 यानी इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी आपका टाइम आ जाएगा। मान लो यहाँ पे कोई टाइम आपने सब्ट्रैक्ट किया और टाइम आ जाता है यहाँ पे क्या बोलते हैं, 13:10, तो अब आपको पता होना चाहिए 13 कितने होते हैं, मतलब ये जो चीज़ होती है वो होती है 1:10। ठीक है, तो आपने जो भी करना है, या तो आप 23:60 से कर सकते हो, या अगर 12 घंटे वाला दे रखा है, तो उसको 11:60 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने किससे करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी मेरे पास दे रखे हैं 9:27, ठीक है, तो इसको मैं 11:60 से ही करूंगा। ठीक है, 9:27 को सबसे पहले क्या करना है, देखना है किस फॉर्मेट में, तो ये 12 आर के फॉर्मेट में दिख रहा है, 12 आर के फॉर्मेट में दिख रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 9:27 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कर देते हैं, 10 में से 7 गए 3, 5 में से 2 गए 3, और 11 में से 9 गए तो 2, तो मेरे पास जो वाटर इमेज होगी, सॉरी मिरर इमेज होगी, तो उसमें जो टाइम दिखेगा वो कितना दिखेगा, 2:33, तो उसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए मेरे को वहां पे दिखेगा। बहुत ही छोटा कंसेप्ट है, जल्दी वीडियो हो जाएगी, तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और यहाँ से कंसेप्ट सीख लीजिए। ठीक है, क्या देखा सबसे पहले, कि जो मेरे पास टाइम दे रखा था वो किस फॉर्मेट में था, वो था 12 आर के फॉर्मेट में, जैसे हमने देखा 12 आर, तो इसके लिए हमने रखा हुआ है 11:60 से सब्ट्रैक्ट कर देना। अगर 24 आर का होता तो 23:60 से सब्ट्रैक्ट कर देते, तो 11:60 से हमने 9:27 को सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास आंसर आया 2:33। तो जो मेरा मिरर इमेज होगी, यही जो क्लॉक दिख रही है, उसमें जो टाइम दिखेगा वो कितना दिखेगा, 2:33 दिखेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी साथ साथ में ट्राई कीजिए, आपके आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दिखने चाहिए, कितने बच्चे इसको ट्राई कर रहे हैं, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिनको नहीं आता वो यहाँ से कंसेप्ट को सीख सकते हैं। क्या बोला हुआ है,
वट इज द टाइम शोन बाय द मिरर इफ द रियल टाइम इज 8:20। आपको एक मिरर इमेज बतानी है किसकी, 8:20 की। तो आप इसको ट्राई कीजिए, मैं यहाँ पे इसका क्लॉक बना लेता हूँ, ठीक है। करिए जी, आप इसको ट्राई कीजिए और अपना आंसर मुझे जल्दी बताइए। देखता हूँ कितने बच्चे इसका राइट आंसर बताते हैं। चलिए, 8:20 पे मतलब ये जो टाइम होगा हमारा इस तरह से आएगा, ठीक है। ये वाला टाइम आपको बताना है किसमें, मिरर में पूछा हुआ है, मिरर इमेज पूछी हुई है इसकी। तो सबसे पहले देखा 8:20 मतलब ये 12 आर वाला फॉर्मेट है, 12 घंटे वाला फॉर्मेट है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 11:60, 11:60 से इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो लिख लो 11, एक मिनट थोड़ा सा चलिए जी, देखो आप करिए साथ साथ में, देखते हैं कितने बच्चों का राइट आंसर आता है। यहाँ पे लिख लो 11:60, इसमें से क्या करना है, 8:20 को सब्ट्रैक्ट कर देना है 0, 6 में से 4, 2 गए 4, और यहाँ पे आ जाएगा 3। मतलब जो मेरी मिरर इमेज ये वाला टाइम दिखाएगी वो कौन सा दिखाएगी, 3:40 वाला टाइम दिखाएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, अगर आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही बोला हुआ है, आप इसको ट्राई कीजिए, मैं तब तक पढ़ देता हूँ क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। वट इज द टाइम शोन बाय द मिरर इफ द रियल टाइम इज 7:15। अगर 7:15 है तो मिरर में कितना टाइम दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं मिरर इमेज बना लेता हूँ, सॉरी क्लॉक बना लेता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ आपने इसको ट्राई किया होगा। 7:15 का टाइम आपको बताना है, ये वाला टाइम आपको बताना है कि मिरर इमेज में कितना आएगा। तो जैसे देखा कितने, कौन से फॉर्मेट में है, 12 आर के फॉर्मेट में दे रखा है। तो क्या करेंगे, 11:60 को इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मेरे पास टाइम दे रखा है 11:60, इसमें से मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है 7:15। 10 में से 5 गए कितने बचे, 5, 5 में से 1 गया बचे 4, 11 में से 7 गए बचे 4। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 4:45। ये जो इमेज होगी मिरर में वो आपको क्या टाइम दिखाएगी, 4:45। उम्मीद करता हूँ आपका समझ आया होगा और आपका भी आंसर आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपके पास टाइम दे रखा है वो दे रखा है 12:30 का। ये कितने का दे रखा है, 12:30 का। अब ये 12 आर से थोड़ा सा ऊपर हो गया, ठीक है। अभी तक हमने जो बात की थी, कंसेप्ट सीखा था, 12 आर की बात की थी, यहाँ पे मैंने बताया था। देखिए अब कहाँ से चला गया, ऊपर चला गया, 11 से 1 के बीच में आ रहा है। चलिए तो अब क्या करना है हमें, 2360 से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे देखा है 12 आर से ऊपर हो रहा है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो किससे, 2320, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, 2360 से 12:30 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। क्यों, 0 से 0 गए, 6 में से 3 गए 3, 3 में से 2 गए 1, 2 में से 1 गया 1। यानी कि जो यहाँ पे जो राइट टाइम आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी 11:30 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे करते 11:60 पे कर पाते, नहीं कर पाते, क्यों, 11:60 से 12:30 कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, नहीं हो पाता। तो हमने देखा टाइम क्या था, 24, 12 आर से थोड़ा सा ऊपर था, 12 घंटे से थोड़ा सा ऊपर जा चुका था, 12:30 की बात कर रहा है। इसको मैंने किससे सब्ट्रैक्ट किया, 23:60 से सब्ट्रैक्ट किया और मेरे पास राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ आपका भी यही आंसर आया होगा और आपको अच्छा लग रहा होगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। चलिए जी, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें जो आपका फॉर्मेट दिख रहा है वो दिख रहा है 12:24 वाले। अब आ गया हमारे पास 24 वाले, ठीक है। क्या बोला हुआ है, 17:30 पे, ठीक है। किसमें बताना है, मिरर इमेज में बताना है। तो जैसे ही हमने देखा हमारे पास 24 आर की बात की है, 24 आर वाले के लिए हमारे पास क्या करना होता है, 23:60 यानी कि 23:60 से सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो कर देते 23:60 में 17:30 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कर दो जी, 23 में से 7 के बचे कितने, 6। तो यहाँ पे जो मेरे पास जो मिरर इमेज टाइम बताएगी वो बताएगी 6:30। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6:30 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने भी निकाल लिया होगा और आपका भी यही आंसर आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, तो ये थे मेरे पास कुछ मिरर इमेज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ मिरर इमेज का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ क्या होता है। ये हमारे पास एक मिरर दे रखा है, एक रियल क्लॉक दे रखी है, एक मिनट,
ये हमारे पास एक रियल क्लॉक दे रखी है, यानी कि रियल इमेज दे रखी है, और यही उसकी क्या दे रखी है, वाटर इमेज दे रखी है। मैंने सबसे पहले बताया कि जो हमारी लेफ्ट साइड होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, राइट में चेंज हो जाती है, लेकिन टॉप और बॉटम में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमारा टॉप और बॉटम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, लेफ्ट और राइट वाले अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं। ये होता है हमारा वाटर इमेज का कंसेप्ट, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको करना कैसे है। तो मैंने आपको क्या चीज़ बताई कि जब भी आपके पास, एक मिनट, जब भी आपके पास टाइम 12 आर के फॉर्मेट में दे रखा हो, 12 आर के फॉर्मेट में दे रखा हो, तो आपने 11:60 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, और 24 आर के फॉर्मेट में दे रखा हो तो 23:60 में इसको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। मैंने ये भी बोला था आप दोनों को किसी भी 2360 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन जब आप 12 आर वाले को उससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 12 आर में, ठीक है। तो इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, 12 आर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये भी मैंने आपको बताया। चलिए जी, फिर इसके बाद वही बेसिक, थोड़ा सा बेसिक देखा क्या चीज़ कहाँ पे आनी चाहिए, फिर उसके बाद हमने इसके क्वेश्चन किए, ठीक है। जैसे देखा 12 आर है तो 11:60 से सब्ट्रैक्ट किया, हमारा फर्स्ट आंसर आ गया, ठीक है। जैसे ही हमारा पहले 11:60 वाले किए, फिर हमने कौन सा किया, 12 वाले, 24 आर वाले किए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके ऊपर बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है आराम से कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको मिरर इमेज का कंसेप्ट समझ आया होगा। बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन बच्चों को बहुत परेशान करता है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जिसकी बात हमने अब करनी है, जो कि आ जाता है मेरा वाटर इमेज, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट में जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ, वाटर इमेज में बात करूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर से एक रियल क्लॉक दिख रही है, ठीक है, यानी कि रियल इमेज दिख रही है किसकी, क्लॉक की, लेकिन उसी की आपको ये नीचे क्या दिख रही है, वाटर इमेज दिख रही है। अब आप देखो वाटर इमेज में क्या चेंज आ रहा है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो वाटर इमेज में क्या चेंज आ रहा है, यहाँ पे आपको दिख रही है वाटर इमेज दिख रही है, ठीक है। अब होता क्या है, अब ये अपनी साइड चेंज नहीं करते, जैसे पहले क्या हो रहा था, 1 2 इधर चले जा रहे थे, लेकिन अब ये अपनी साइड चेंज नहीं करते, ये क्या हो जाते हैं, उल्टा हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे 6 आ रहा था वहाँ पे अब आपको क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है, और जहाँ पे 12 आ रहा था वहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। मतलब अब इस तरह से ये अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, ऊपर नीचे पोजीशन को चेंज करते हैं, क्लियर है। यहाँ पे 8 10 करेंगे, और यहाँ पे 9 और 3 आप देख रहे हो, इन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है, 9 और 3 अपनी ही पोजीशन पे हैं, लेकिन इनको छोड़ के बाकी सभी ने अपनी पोजीशन ऊपर नीचे कर दी है, ठीक है। 12 और 6 ने भी इस बार क्या कर दी, पोजीशन चेंज कर दी। इस बार जो वाटर इमेज था, 9 और 3 जो बचे, इन्होंने अपनी इमेज को चेंज नहीं किया, इन्होंने अपनी पोजीशन को वैसे के वैसा ही रखा। तो वाटर इमेज और आपका जो मिरर इमेज है, इसमें यही बेसिक कंसेप्ट है, यही बेसिक सा डिफरेंस है। अब इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, कैसे सॉल्व करने वो भी देखते हैं, ठीक है। क्या बोला, सबसे पहले बोला टॉप से बॉटम चेंज हो जाएगा, जैसे कि टॉप और बॉटम देख रहे हो, 11 से 7 चेंज हो रहा है, 12 से 6 चेंज हो रहा है, 1 से 5 चेंज हो रहा है, लेकिन लेफ्ट और राइट चेंज नहीं हो रहे। देखो यहाँ पे ये वाली चीज़ यहीं पे है, और ये वाली चीज़ जो यहाँ पे थी वहीं पे है, और ये वाली चीज़ भी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ठीक है। और 9 और 3 भी क्या है, अपनी ही पोजीशन पे है, ये इन्होंने भी पोजीशन चेंज नहीं की, 9 यहाँ पे 3 यहाँ पे है। तो मतलब बोलने का कंसेप्ट क्या था, जो हमारा मिरर इमेज था उसमें 12 और 6 अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते थे, और लेफ्ट और राइट चेंज हो जाते थे, इसमें 9 और 3 चेंज नहीं करते, और टॉप और बॉटम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कंसेप्ट समझ आया होगा। चलिए जी, अब बात करते हैं इससे क्वेश्चन बनेगा तो इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। जब भी आपके पास वाटर इमेज का कंसेप्ट आता है या वाटर इमेज का क्वेश्चन आता है, तो आपने कुछ नहीं करना, वाटर इमेज में 18:30 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। क्या करना है, 18:30 को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे आपने देखा क्वेश्चन में पूछा है किसकी वाटर इमेज बताओ, तो आपने 18:30 को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है और अपना आंसर निकाल लेना है। चलते हैं देखते क्वेश्चन किस तरह से आता है। चलिए जी, हमारे पास ये रहा पहला क्वेश्चन, क्या बोला है, वाटर इमेज ऑफ अ क्लॉक इज शोइंग 1:30, व्हाट इज द रियल टाइम, ठीक है।
कि कोई आपके पास वाटर इमेज दे रखी है, उसमें जो टाइम बताया जा रहा है, एक मिनट यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक दो चार सात आठ 10 11, मतलब जो आपको एक क्लॉक दे रखी है वाटर में, वो टाइम बता रही है 1:30, ठीक है। आपको बताना है कि रियल में एक्चुअल टाइम हुआ क्या है। वाटर वाली तो बता रही है 1:30, लेकिन आपको रियल टाइम बताना है 1:30 पे होगा क्या। तो जैसे ही हमने देखा यहाँ पे कौन सी बात की है, वाटर इमेज की बात की है। जैसे वाटर इमेज देखा, मेरे को पता है मेरे को 1860 से इसको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, सॉरी 1836 को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। वाटर इमेज की बात की तो 1836 को क्या करना, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो करते हैं, अरे आप भी ट्राई कीजिएगा इसको, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 1830 से 1:30 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 30 से तो 30 कट गए, 18 में से एक गया, बचा 17। अब 17 का टाइम क्या होता है, अगर आपको 12 24 आवर वाला कंसेप्ट पता होगा, तो 12 के बाद ये हो जाएगा 13 14 15 16 और 17। 17 यानी कि इसको मैं कन्वर्ट कर दूं तो ये किस में आ जाता है, 5 बजे। यानी कि ये जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, 5 बजे आपका रियल टाइम होगा और आपकी जो वाटर इमेज है वो क्या बता रही होगी, 1:30 बता रही होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा वाटर इमेज और रियल इमेज में डिफरेंस होता है। अभी हमने उसको सीखा, उसका हमने एक बेसिक फॉर्मूला सीखा, क्या 1830 से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे सब्ट्रैक्ट किया हमारे पास आंसर आया 17 आया, ठीक है, 17 बज गए, ठीक है। लेकिन 17 को अगर मैं 24 आवर के कंसेप्ट में देखूँ तो मेरे पास टाइम क्या होता है, 5 बजे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके साथ सामने, इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ, ठीक है। क्या बोला, सबसे पहले पढ़ा हमने वाटर इमेज ऑफ अ क्लॉक शोइंग 8:20, व्हाट इज द रियल टाइम। रियल टाइम आपको बताना है, मतलब 8:20 का टाइम आपको दे रखा है, आपको बताना है रियल टाइम हुआ कितना है। तो मैंने अभी बताया 18:30 में आपने 8:20 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, यहाँ पे तो आ जाएगा 10 और 18 में से, यानी कि 10:10। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10:10। जो आपकी रियल क्लॉक होगी वो कितना टाइम बताएगी आपको, 10:10। लेकिन जो आपकी वाटर इमेज बनेगी इसकी वो क्या बताएगी, वो आपको बताएगी 8:20। मतलब ये वाला जो टाइम होगा वो वाटर इमेज में कौन सा होगा, 8:20। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, वाटर इमेज शोइंग 14:50, व्हाट इज द रियल टाइम। 14:50 हो चुके हैं, आपको रियल टाइम बताना है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, सर 18:30 तो हमने लिखा था, लेकिन अब इसमें 14:50 को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे सर इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये तो हमसे हो नहीं रहा, 30 में 50 कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आपने याद रखना है, यहाँ पे स्टार बना के नोट लिख देता हूँ, जब भी आपका मिनट का टाइम 30 से ग्रेटर होगा, जब भी आपका मिनट का टाइम 30 से ग्रेटर होगा, जैसे यहाँ पे 30 से ग्रेटर है, तब हम इसको किस से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब हम इसको 17:90 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 17:90 में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये 17:90 और कुछ नहीं है, ये आपका क्या है, 18:30 ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करके हमने किस में लिख दिया, 17:90 में, ठीक है। तो जब भी आपका टाइम, जैसे यहाँ पर टाइम दे रखा है क्या है, ग्रेटर देन 30, जैसे ही आपने देखा ये क्या है, ग्रेटर देन 30, तो ये तो 18:30 से सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो किससे करना पड़ेगा, 17:90 पे। तो कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लो 17:90 14:50, ठीक है, 0 9 में से 5 गए 0, 7 में से 4 गए 3, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 3:40। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा, अगर यहाँ तक समझ आया, वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा, ये जो मैंने चीज़ आपको, या चीज़ बोलूँ या ट्रिक बोलूँ, जो मैंने अभी आपको बताई, कि जब भी आपका मिनट का टाइम क्या होगा, 30 से ग्रेटर होगा, किससे बड़ा होगा, 30 से ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन 30 होगा, जैसे यहाँ पे दे रखा है, तो इस केस में हमें 17:90 में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है टाइम को, जो कि होता तो वही है,
18 गैप, ठीक है, 18:30 की बात करता है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि हमारा आंसर आ जाए। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, टाइम दे रखा है, व्हाट आर इमेज ऑफ अ क्लॉक, 5 बता रही है आपको, रियल टाइम बताना है, ठीक है। करते हैं फिर से वही, 18:30, 5 को सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ से, यहाँ पे आ जाएगा 0:00, 8:05, और यहाँ पे आ जाएगा 13:30। अब आप बोलोगे सर 13:30 क्या होते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा ये किसकी बात कर रहा है, 1:30 की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाएगा वो मेरा क्या आ जाएगा, 1:30 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कंसेप्ट समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका वाटर और मिरर इमेज का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन आराम से कर लेके चले जाओगे, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में आता है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होते हैं वो भी आएंगे, लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आपके लिए बचा होमवर्क, ठीक है। ये मैं देखे जा रहा हूँ आपके लिए होमवर्क, ये सारे के सारे बच्चे खुद सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे। देखना चाहता हूँ कितने बच्चों ने कंसेप्ट को सीखा, कितने बच्चों का कंसेप्ट यहाँ से बना है। क्या बोला हुआ है आपको, टाइम दे रखा है 16:45, आपको वाटर इमेज तो दे रखी है, आपको रियल इमेज में उसका राइट आंसर बताना है, ठीक है। वाटर इमेज दे रखी है आपको, रियल में उसका टाइम बताना है, ठीक है। जैसे ही 30 से ज़्यादा होगा, हमने कंसेप्ट पढ़ा था, वही कंसेप्ट लगाओगे आप, इसका आंसर दे दोगे। चलिए जी, तो ये थे मेरे पास आज कुछ क्वेश्चन, एक बार इस वीडियो को फिर से रिपीट, इस कंसेप्ट को फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्या बोला हमने, वाटर इमेज में, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं लेट जुड़ते हैं, तो उनके लिए भी बता देता हूँ। वाटर इमेज में क्या होते हैं, वाटर इमेज की ये जो थी रियल इमेज आपके सामने दे रखी थी, और इसी की ये जो थी आपके पास क्या दे रखी थी, वाटर इमेज दे रखी। बस आपको याद रखना है, वाटर इमेज में क्या होता है, ऊपर वाला नीचे चले जाता है, ठीक है। टॉप और बॉटम आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, लेकिन लेफ्ट और राइट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये वाली सुई यहीं, ये वाला टाइम यहीं पे है तो यहीं पे दिख रहा है, ये वाला भी यहाँ पे है तो यहीं पे दिख रहा है, और 9 और 3 अपने प्लेस चेंज नहीं करते, ठीक है। 9 और 3 अपना प्लेस चेंज नहीं करते, ठीक है, ये बात हो गई। चलिए, इसके बाद हमने सीखा यही कि टॉप और बॉटम चेंज हो जाते हैं, ठीक है, टॉप और बॉटम चेंज हो जाते हैं, लेफ्ट और राइट में कोई भी चेंज नहीं आता। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हमने एक छोटा सा फॉर्मूला देखा, क्या, 18:30 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, जब भी किसकी बात की होगी, वाटर इमेज की बात की होगी, 18:30 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर हमने क्या देखा, क्वेश्चन देखा, सबसे पहले देखा 1:30, इसको 18:30 को 1:30 से सब्ट्रैक्ट किया, वैल्यू आ गई 17, लेकिन 17 को अगर 12 आर के फॉर्मेट में देखें तो मेरा राइट आंसर आ जाएगा 5, तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हाँ, इसके बाद जो हमने नेक्स्ट चीज सीखी वो सीखी, जब भी हमारा टाइम ग्रेटर देन 30 होगा, जैसे टाइम हमारा ग्रेटर देन 30 हो जाएगा तो हमें क्या करना है, अगर ग्रेटर देन 30 है तो उसको हमने 17:90 यानी कि 17:90 से सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि खुद किसके बराबर होता है, 18:30 के बराबर होता है। देखा मैंने, यहाँ पे टाइम क्या था 30, यहाँ पे टाइम क्या था ग्रेटर देन 50 30, तो यहाँ पे जैसे ग्रेटर देन 30 आया तो ये तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, मेरे को क्या करना है, अब इसको 17:90 में सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे इसको सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास राइट आंसर आ गया 3:40 आ गए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का कंसेप्ट समझ आया होगा, और आपका वाटर और मिरर इमेज से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो आप आराम से कर लोगे। सिर्फ आपको याद रखना है, अगर आपके पास मिरर इमेज दे रखी है तो 24 आवर वाला क्वेश्चन है तो 23:60 सब्ट्रैक्ट करने हैं, 12 आवर वाला है तो 11:60 सब्ट्रैक्ट करने हैं, और वाटर इमेज दे रखी है तो वाटर इमेज में कुछ नहीं, 18:30 सब्ट्रैक्ट करने हैं, लेकिन अगर टाइम 30 से बड़ा आ रहा है तो आपको 17:90 सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो इस तरह से आने वाले क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक मॉक टेस्ट रहेगा और उसमें आपने सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। चलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।